वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद अनुभव। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही इजी और टेस्टी सब्जी जो कि पनीर को टक्कर देने वाली है। चलिए बनाते हैं। यहाँ पे हमने लिया है ये हमने यहाँ पे लिया है देखिए चौराई, आप क्या इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमने ये वाली चौराई ली है। ये हमारी घर के किचन गार्डन से ही तैयार हुई है, बहुत ही हेल्दी है। घर की सब्जियां तो वैसे ही हेल्दी होती हैं, हम लोग बगैर खाद के इसको तैयार करते हैं बहुत ही आसानी से। और यहाँ पे देखते हैं हमने इसको कट करके धुल लिया है, धुलने के बाद इसको काटा, फिर से धुला ताकि जो इसमें छोटे छोटे डंठल है ना वो भी पानी में अलग हो जाए। और यहाँ पे हमने लिया है देखिए लहसुन प्याज और टमाटर अदरक। और चलिए हम इसको बनाना तैयार करते हैं, बहुत ही आसानी से बनकर तैयार होने वाली है। और ये मार्केट में जो इसको बोलते हैं सगौड़ा ही बोलते हैं, वो ठेले पे हमें 25-30 रुपए प्लेट पर प्लेट मिलता है। और हम इसको आसानी से घर पर ही अपने तैयार करके देखिए खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। मार्केट में हमें बहुत महंगा मिलता है। देखिए चलिए बना लेते हैं। मैंने इसको बॉयल कर लिया, बॉयल करने के बाद इसमें डाल दिया है लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर हम 2 बड़े चम्मच बेसन लिए हैं, बेसन को भी इसमें कर दिया है ऐड। और उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा हम यहाँ पे डालेंगे नमक, डालेंगे हल्दी पाउडर और यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ी सी हींग डालना है क्योंकि हींग डालने से यह टेस्टी और नुकसान भी नहीं करता। और यहाँ पे हमने डाल दिया थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स। सारे सामग्री को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और यहाँ पे हम मिक्स करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसका थिकनेस। यहाँ पे हमें पानी का यूज भी नहीं करना है और इसको हम छन्नी में जिसमें छाने कुछ देर के लिए इसको रखे रहें ताकि जिसमें एक्स्ट्रा पानी हो ना निकल जाए इसमें। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने छोटे छोटे बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं, आप गोल या जिस प्रकार के आपको चाहिए बना सकते हैं। गोल वाले जो होते हैं वो थोड़ा अंदर से कच्चे रहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे टिकिया के आकार का बना लिया है यहाँ पे। और यहाँ पे मस्टर्ड डाल के हमने इसको फ्राई किया है, बिल्कुल मीडियम आंच पे इसको फ्राई करेंगे क्योंकि इसका कलर वैसे भी डार्क हो जाता है ना तो समझ में नहीं आता कच्चा या पक गया, इसलिए हम इसको धीमी आंच से बिल्कुल मीडियम आंच पे पकाएंगे। और एक्स्ट्रा ऑयल जो था हमने इसको निकाल लिया है, एक्स्ट्रा ऑयल इसमें से अब इसमें डाल दिए हम थोड़ी सी इलायची, 2 पीस हमने कूट के डाल दिया और 2-3 लगभग हमारी लौंग थी साबुत ही हमने डाल दी। यहाँ पे तेज़पत्ता डाल दिया। उसके बाद जो हमने पेस्ट बनाकर तैयार किया था लहसुन अदरक और प्याज टमाटर जो इकट्ठा हमने बॉयल किया था ना उसका पेस्ट बनाकर तैयार किया उसको भी डाल दिया। यहाँ पे हमने डाल दिया थोड़ा किचन किंग मसाला और हल्दी पाउडर हमने डाल दिया। अब इसको मीडियम आंच पे भून लेंगे अच्छे से। और यहाँ पे हमने डाल दिया 1 चम्मच मलाई, जो घर की हमारी मलाई थी 1 चम्मच यहाँ पे हमने मलाई का यूज़ कर लिया है। और इसको हम फिर से जो खूब अच्छे से हमारा ग्रेवी पक गया था ना उसमें हमने डाल दिया है जो टिकिया बना के तैयार किए हुए थे इसको भी डाल दिए हैं। और इसको 2-3 मिनट तक बिल्कुल मीडियम आंच में पकाएंगे। और यहाँ पे हमने डाल दिया थोड़ा सा दम आलू मसाला और जो हमने ऑयल हमारा बचा हुआ था ना फ्राई किया था हमने वही वाला ऑयल यहाँ पे लेंगे हम 2 चम्मच। और यहाँ पे हमने डाल दिया है कश्मीरी मिर्च और इसका घोल तैयार करेंगे, कच्चा ना रहे तेल नहीं तो अच्छा नहीं आएगा उसका खुशबू। जो हमने पका तेल निकाल के रखा था ना उसी को डाला है, अगर ना बचे ना तो उसको थोड़ा गर्म करके ही तेल में डालें। और देख सकते हैं इसका कलर मार्केट में ऐसे ही मिलता है ना हमें, जो ऊपर से बिल्कुल रेड रेड सा तेल जैसे चमकता है वो बहुत अच्छा लगता है देखने में और हम खाने में भी हमें बहुत टेस्टी लगता है। तो वही हम घर पर बनाकर तैयार कर लिए हैं बहुत ही आसानी से। यहाँ पे हमने डाल दिया धनिया पत्ता और देखिए जो हमें मार्केट में 30-30 रुपये प्लेट मिलता है वो हमने घर पर बना कर तैयार किया और पूरी फैमिली के साथ इंजॉय करें, बनाए खाएं, एंजॉय करें। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। देखिए हमारे ये मार्केट वाला सगौड़ा बनकर तैयार हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।